अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम एक बोट नेक डिज़ाइन बनाएं। इसके लिए हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है और अपने मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगा लिए हैं। बैक साइड हम अलग करेंगे और फ्रंट साइड के नेक का निशान लगाएंगे। नेक की डीपनेस रखेंगे हम 3 इंच और इस तरह निशान लगाएंगे और विड्थ रखेंगे 4 इंच। इस तरह बॉक्स बना लेंगे और यहां से गुलाई कर देंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब बैक साइड की कटिंग करेंगे। बैक नेक की भी विड्थ रखेंगे 4 इंच और डीपनेस रखेंगे 2 इंच। इस तरह से हमने नेक की कटिंग करनी है। यहाँ इस तरह गुलाई कर लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ सेंटर में कट लगाएंगे। अब हमने ये प्लेन फैब्रिक लिया है, 1/2 मीटर से ज़्यादा फैब्रिक है ये, तो इसको हमने रुमाल की तरह इस तरह फोल्ड कर लिया है। अब इसे दोबारा फोल्ड करेंगे। और 3 इंच लेंगे इसकी विड्थ और लेंथ लेंगे इसकी 21 इंच। तरह निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे। जिस तरह बच्चे के फ्रॉक की बेल्ट होती है उसी तरह इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसे एक तरफ से छोटा कर लेंगे। इस तरह 1 इंच का फासला रखकर बराबर कर देंगे। 21 इंच का पीस लिया था मैंने ये, लेकिन इसकी लेंथ कम है और मुझे डबल लेंथ चाहिए, तो मैंने 21 इंच का ही उसी साइज़ का एक और पीस काट लिया है। अब हम इसे यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह रखेंगे। इस तरह खोल लेंगे और यहाँ से प्रेस कर लेंगे। अब इसे फोल्ड करेंगे इस तरह और एक पीस को कम रखेंगे और एक को ज़्यादा। 2 इंच का फासला रखेंगे और फोल्ड करते हुए यहाँ कट लगा लेंगे। ये देखें इस तरह मैंने फोल्ड की है और इतना फासला रखा है, 2 इंच का फासला है। ये इसे साइड पे रखेंगे और ये बैक साइड और फ्रंट साइड लेके इनके शोल्डर जोड़ लेंगे। दोनों तरफ से शोल्डर जोड़ लेंगे। इस तरह शोल्डर जोड़ लिए। अब हम इसे सीधा करेंगे।
और जो कट लगाया है उसे इस तरफ ले आएंगे। इस तरह रखा हमने, और ये कॉलर जो हमने बनाया है इसे इस कट को इसके साथ मिलाएंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। अब कॉलर वाले कपड़े को हल्का सा खींच के रखेंगे। कॉलर वाले पीस को खींच के रखेंगे तो इस नेक की गोलाई अच्छी आएगी। और यहाँ से बैक ले जाके निकाल लेंगे, एक तरफ से लग गया है। अब यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरफ से लगाएंगे। हल्का सा खींच के रखेंगे। यहाँ आकर बैक ले जाएंगे सिलाई को और निकाल लेंगे। अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। और यहाँ सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगाई है। अब इस बेल्ट को हम सीधा कर लेंगे। नेक की दूसरी तरफ से भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे, बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे।
दूसरी तरफ से भी सीधा कर लेंगे। विंटर के लिए बहुत ही बेस्ट डिज़ाइन है ये, बोट नेक के साथ कॉलर और साथ नॉट। इस तरह सीधा कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बच्चियों के लिए बहुत ही बेस्ट डिज़ाइन है ये। आप इसे अंदर से नीडल के साथ भी तुरपाई कर सकते हैं और इस तरह सिलाई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ अंदर से हम तुरपाई करेंगे इस कपड़े को, इसी तरह मोड़ के। अगर आप इसी डिज़ाइन को बड़ा करके बनाना चाहते हैं, नेक यानी कि बड़ा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप 4.5 इंच रख लेंगे तो गला थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। बहुत जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है ये और आप आसानी से इसे बना सकते हैं। ये देखिए इधर से ये तैयार हो गया है। अब इसे हमने फोल्ड करना है ऐसे और प्रेस कर देना बस। और दूसरी तरफ से इस तरफ से हम नॉट लगाएंगे, जिस तरह टाई की नॉट लगाते हैं, बच्चे के फ्रॉक के बेल्ट की नॉट लगाते हैं, उसी तरह पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ हम दोनों तरफ से पक्का कर लेंगे जोड़ के इस तरह। यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह इस तरह। हमारा नेक आएगा शोल्डर के ऊपर, यहाँ नॉट लगाएंगे। इस तरह हमारा नेक है और नॉट आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, अगर चाहें तो ये इस तरह यहाँ आएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ कोई रिंग वगैरह भी डाल सकते हैं। हमारे इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें और अगर आप बनाएं और अच्छा बने तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और आपका डिज़ाइन कैसा बना। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।